हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आज हम बात करेंगे डाउनर काउ सिंड्रोम के बारे में। यह रोग क्या होता है, किन किन जानवरों में होता है, वह कैसे होता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करें, उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यदि वीडियो लंबे भी हो तो प्लीज स्किप करके ना देखें, वीडियो को प्लीज पूरी देखें व चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करते रहें। यह भी एक पशुओं में होने वाली डिजीज या बीमारी है। यह बीमारी एनिमल के ब्याने के 2 से 3 दिन बाद होती है। यह बीमारी होने के बाद पशु जमीन पर बैठ जाता है। यह बीमारी अधिकांश अधिक दूध देने वाली गायों के अंदर होता है या कई बार भैंसों के अंदर भी हो जाता है। यह ज़्यादातर होल्स्टीन गायों के में होता है या होल्स्टीन गाय ज़्यादा चपेट में आती है। इसके अंदर एक विचित्र बात यह है, इसमें एनिमल यूं तो सक्रिय व सचेत रूप से रहता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। यह एक विशेष प्रकार का मिल्क फीवर कहा जाता है। यह है इस बीमारी में कुछ खास रोगों का पता नहीं चल पाता है। यह मिल्क फीवर से संबंधित ही रोग माना जाता है। इसके अंदर प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी का कारण यह रोग होता है। डाउनर काउ सिंड्रोम को 2 बार कैल्शियम लगाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और पशु खाता पीता भी नहीं है। मिल्क फीवर से ग्रसित पशु का इलाज नहीं हो पाता तो पशु कई घंटों तक बैठा रहता है। इससे तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। पेरिटोनियम व टिबिया नर्व बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। ऐसे में पशु डाउनर काउ सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। बार बार सहारा देकर खड़ा करने पर भी पशु खड़ा नहीं हो पाता है। जब पशु की ऐसी स्थिति हो तो अक्सर ऐसे मामले में 2-3 दिन तक भारी मात्रा में कैल्शियम देने पर कैल्शियम लेवल बढ़ता है जिससे पशु आपका खड़ा हो पाता है। इसके अंदर इस बीमारी के अंदर क्या सिम्टम मिलेंगे आपको? मिल्क फीवर की इलाज के बावजूद भी अगर पशु खड़ा नहीं हो पाता व पशु सक्रिय रूप से सचेत होता है तो यह बीमारी मिलती है। पशु को भूख कम लगती है, पानी कम पीता है, जुगाली गोबर मूत्र सामान्य तरीके से होता है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है। कभी कभी रोग की आखिरी अवस्था में सर नॉर्मल यानी टेम्परेचर कम हो जाता है। पिछले पैर तो मुड़े हुए ही रहते हैं लेकिन अगले पैरों की मदद से पशु बैठा रहता है व इधर उधर खींच सकता है। सामान्य तौर पर यह रोग 1-2 सप्ताह तक चलता है लेकिन यह अवधि अलग अलग होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नर्व मसल्स कितना नुकसान हुआ है, पशु के रख रखाव पर हमने कितना ध्यान दिया है। इसके अंदर आपको क्या सिम्टम और मिलेंगे? नॉर्मल ब्लड कैल्शियम मैग्नीशियम हल्का फुल्का कम होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। डायग्नोस क्या करेंगे हम? गाय सामान्य तरीके से ब्याई थी या नहीं ब्याई? बछड़े को हाथ द्वारा निकाला था या नहीं निकाला था? क्या ब्याने के बाद पशु तुरंत खड़ा हो गया था या नहीं खड़ा हुआ? पशु कितने समय तक बैठा हुआ था? उन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे।